प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका बेसिक यूनिट देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और दूसरी एक साइंटिस्ट के नाम है प्रेशर की यूनिट पास्कल, यही है। इसका मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है फोर्स, और एरिया जो है इनवर्स प्रपोर्शन में, यानी अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये तो डायरेक्ट रिलेशन था, बट एरिया के साथ क्या रिलेशन था? अगर एरिया कम है जैसे पिन वगैरह का, तो अगर जो चीज यहाँ पे कम होगी तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। ये बलून दिख रहा है, ठीक है, पहले के पिन पॉइंटेड सा दिख रहा हुआ पैन है, रेल हमारे पास है थी, इसी से इसका एरिया कम है या ज्यादा है? कम है, कम है, तो प्रेशर क्या लगना चाहिए? ज्यादा लगना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं जैसे इसको तुमने ऑलरेडी करा हुआ है टूट जाता है बलून, तो भी पिन से करो जैसे, यहाँ पे एरिया कम है प्रेशर लगा ज्यादा, वो फट गया। बट अब दूसरी तरफ ये एक बच्चे ने बना के लेके आया था, यहाँ पे अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती तो और ज्यादा सही रहता, टूटता इसमें भी है जब मैं बहुत ज्यादा जोर लगाऊंगा तब, बट जितना मैं फोर्स उसमें लगा रहा था जितना पेन से जब करा तब ये बलून नहीं टूटे। ठीक है, ये देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बराबर जैसे देखो ये दिख रहा होगा, मैं लगा रहा हूँ प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू पिन एरिया क्या है? एरिया क्या था? ज्यादा। बट मैंने जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया तब जाके वो टूट गया, पर स्टार्टिंग में तुमने देखा काफी जोर लगा था, फिर भी बेसिकली क्या हुआ, वो एरिया ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रेशर, पर वो एक आधा कोई पिन लंबी है तो वो एक जगह पे ज्यादा लग गई होगी इस वजह से। अगर ये बिल्कुल प्लेन हो तो मैंने ऐसे प्रैक्टिकल भी करवाया पिछले साल, वो पूरा कार्डबोर्ड है उसके ऊपर बलून के ऊपर और एक बल्ब वाला इसके ऊपर मैंने बच्चे को खड़ा कर दिया था, फिर भी वो नहीं, पूरा प्लेन जब हो जाएगा क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत कम लगेगा, सीधी सी बात है।